कप्तान बनाने के सपने दिखाकर टीम इंडिया से ही बाहर कर दिया। वीरेंद्र सहवाग ने दिग्गज पर लगाए सनसनीखेज आरोप। वीरेंद्र सहवाग का ये खुलासा हर किसी को हैरान कर रहा है। वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू में कहा, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच ग्रैग चैपल ने आते ही सबसे पहले ये बात कही कि वीरेंद्र सहवाग टीम के कप्तान बनेंगे। 2 महीने बाद ऐसा हुआ कि कप्तानी तो भूल जाइए, उन्हें टीम से भी निकाल दिया गया। भारतीय कोच हो या फिर विदेशी कोच, सभी के अपने अपने फेवरेट खिलाड़ी होते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा कहा है। कुछ खिलाड़ियों को ये लगता था कि विदेशी कोच आएगा तो वो पक्षपात नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। विदेशी कोचों के भी अपने मन पसंदीदा खिलाड़ी होते हैं। विदेशी कोच भी नाम देखते हैं, चाहे तेंदुलकर हो, द्रविड हो, गांगुली हो या लक्ष्मण। ग्रैग चैपल की अगर बात करें तो उनकी कोचिंग का कार्यकाल काफी विवादों में रहा था। सौरभ गांगुली के साथ उनके काफी विवाद की खबरें सामने आई थी और अब वीरेंद्र सहवाग का चौंकाने वाला खुलासा।